आज़ादी का अमृत काल या आज़ादी का महोत्सव पूरे देश भर में मना रहे हैं। इस आज़ादी की 75 साल माननीय मोदी जी ने जिस तरह से अनसंग हीरोज को याद कर रहे हैं, गोवा की 60 साल मुक्ति की हम मना रहे हैं, और इस गोवा की 60 साल और आज़ादी के अमृत काल में जितने सारे गोवा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो जो शहीद हुए उनको याद करना और जो शहीदों को नमन करने के लिए गोवा सरकार ने खास करके 15 अगस्त का कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम में एक तो पूरे 70 फ्रीडम फाइटर्स जो शहीद हो गए, जो गोवा से थे और जो देश भर में से गोवा मुक्त करने के लिए जो गोवा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जिन्होंने भाग लिया, उन सब का हमने हॉनर रखा था। उनको सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर गोवा सरकार की तरफ से उनके रिलेटिव्स को हमने 15 अगस्त को बुलाया था। इनमें से जो देश भर में से थे उसमें से एक 10 जो शहीद स्वतंत्र सैनिक थे उनके रिलेटिव्स 15 अगस्त के कार्यक्रम में पहुंचे। बाकी गोवा में से जो 40 फ्रीडम स्ट्रगल शहीद हो गए थे उनके जो रिलेटिव्स थे उन सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुए थे। उसी वक्त शहीद कर्नल बेनीपाल सिंह की सौ जो माता चरणजीत कौर उनके भाई उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुए थे, तो उनके भाई को मैंने कहा था कि इस दौरान क्योंकि सभी शहीदों को देखा तो डायरेक्ट रिलेशन में तो माता चरणजीत कौर जो है उनको मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं गोवा से यहाँ जरूर आऊँगा, तो उनको मिलने के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। कर्नल बेनीपाल सिंह की ये स्टोरी सभी यानी जनरेशन टू जनरेशन सभी को बताती जाती है। उनके नाम पे यानी प्राइमरी स्कूल में जहाँ के पत्रा देवी के नज़दीक वाला प्राइमरी स्कूल में उनका स्टैचू लगा हुआ है और बड़े गर्व से कर्नल बेनीपाल सिंह को हमेशा के लिए याद करते हैं। सभी फ्रीडम फाइटर्स सभी के उनके स्मारक में हमने पत्रा देवी पे बहुत बड़ा स्मारक बनाया हुआ है। आज फिर एक बार उनको याद करने के लिए मैं खुद अम्बाला आया था, तो उनकी जो मिसेस थी निमाता चरणजीत कौर उनका गोवा सरकार की तरफ से हमने फेलिसिटेशन किया, उनको सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर और स्मृति चिन्ह गोवा सरकार की तरफ से दिया। और हम तो गोवा सरकार तब उनको पेंशन नहीं दे पाए थे गोवा सरकार की तरफ से, तो अभी हमने वन टाइम उनको 10 लाख रुपीज का चेक उनको सुपुर्द कर दिया और उनके फैमिली को इससे आगे भी माता चरणजीत कौर को कुछ मदद लगे तो हमेशा के लिए गोवा सरकार उनको मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। बाकी भी इस तरह के जो फ्रीडम फाइटर्स जो वीरगति प्राप्त हुई थी उनको भी हमने उस दिन फेलिसिटेट किए हैं। उनके फैमिलीज को भी जो कुछ मदद जो डायरेक्ट उनके रिलेशन में थे उनको मदद करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। मेरा कहना इतना ही है कि तब की सरकार ने समझो थोड़ी सी भी यानी जब आज भारत जोड़ो आंदोलन का दौर अब चल रहा है, मुझे लगता है कि तब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता, अखंड भारत की सोच तब हो जाती, ऐसे वीर सुपुतों को वीर गति प्राप्त करनी नहीं पड़ती। पिछले दिनों सोनाली फोगाट हत्याकांड हुआ गोवा में, आपने उसकी जांच जो है सीबीआई को दे दी, तो क्या इसके है और कोऑर्डिनेट कर रही है सीबीआई और पुलिस, क्या चल रहा है? हमने तो उनके फैमिली के मांग के ऊपर सीबीआई को हैंडओवर कर दिए हैं। सीबीआई बाकी जो कुछ असिस्टेंस गोवा पुलिस से चाह रही है वो सब कुछ असिस्टेंस उनको गोवा पुलिस से दिया जा रही है। सीबीआई गोवा में आके भी गई है और ऑलरेडी दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इन द स्टेट। क्या इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जिस तरह से गोवा पुलिस ने पहले ही दिन कहा कि उनकी जो है डेथ हो गई थी और बाद में जांच आई तो उसमें ये ड्रग्स का मामला भी आया सामने, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस केस के बाद क्योंकि जिस तरह से ड्रग मैनेजमेंट वहाँ पे है रेस्टोरेंट में या रिजॉर्ट में, उसकी सख्ती के लिए उसको रोकने के लिए क्या कदम बहुत बताता है? मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है यानी जो ड्रग्स के मामले में आपने पूछा है, हमारे एंटी नार्कोटिक सेल बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। इन माय टेन्यूर अभी तक यानी ढेर सारे रेड्स कर चुके हैं, मेरे 3 साल में ढेर सारे ड्रग्स के ऊपर यानी और ड्रग्स पेडलर को एनडीपीएस के अंतर्गत अभी तो 3 ड्रग पेडलर्स को यानी 1 साल के लिए अंदर कर दिए हैं। इसलिए जो ड्रग्स कंज्यूमेबल्स जो भी कर रहे हैं उनको भी हम अरेस्ट कर रहे हैं। इवन दो
जो नाइट पार्टीज क्लब्स वहां पे भी हमारी पुलिस रेड कर रही है और ड्रग कंज्यूमेबल को ही मिलते हैं और जो बिगर ड्रग पेडलर्स इनको भी हम अंदर कर रहे हैं। गोवा ड्रग्स के लिए नहीं है, वी आर सेइंग नो टू ड्रग्स, इसलिए डेफिनेटली इससे आगे हम अच्छा टूरिज्म के लिए वेलकम कर रहे हैं। तमाम सारे आरोप उनकी फैमिली ने लगाए हैं कि वहाँ केस दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी और उस क्लब की क्लब को सीज करने से लेकर तमाम सारे उसमें गोवा सरकार की लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से एविडेंस तमाम सारे खत्म हो गए, इस पे क्या कहना है आपका? गोवा पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की है और जो कुछ एविडेंस बाकी सब कुछ दैट इज हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। सर फाजली क्लब को भी उसके बाद सर ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया था, तो ये माना जा रहा था कि वहां से कुछ तथ्य सीबीआई को भी मिल सकते थे पुलिस को। कालिस के ऊपर डेमोलिशन था और जिस दिन कोर्ट का स्टे उठ गया उसी दिन कालिस का डेमोलिशन हो चुका है।